हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय टेरेस गार्डन। तो आज मैं बता रही हूँ कि मैं छत पर अपने गार्डन में पानी प्लांटर में किस तरह से फिल करती हूँ। पानी वाटरिंग भी एक तरीका है गार्डनिंग के लिए, कि हमें वाटरिंग किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से नहीं करनी चाहिए। पानी भी एक तरह से पौधों के लिए जहर का ही काम कर जाएगा अगर हमने उसको सही तरह से यूज़ नहीं किया तो। कि पानी पौधों में किस तरह से लगाया जाए कि पौधा कभी सड़े ही ना। तो पानी डालने का तरीका है कि ओवर वाटरिंग हमें कभी नहीं करना है पौधों में। ऐसे डालती हूँ मैं पौधों में पानी, ओवर वाटरिंग में नहीं करती हूँ। पानी इस तरह से डाला जाए कि पानी नीचे से निकल जाए। हमें पानी इस तरह भी नहीं डालना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे कर देते हैं तो कहीं पानी लगता है, कहीं नहीं लगता है। पानी ऐसे डालना चाहिए पौधों में कि पानी प्लांटर के नीचे से निकल जाए, और प्लांटर में होल ज़रूर होना चाहिए और पानी निकलना ही चाहिए नीचे से, अदरवाइज़ हमारा जो सही नहीं होता है। देखो ये इस तरह से मेरे पौधे मुरझा चुके हैं। अब मैं इसमें पानी इतना डालूँगी कि पानी इसके नीचे से निकलने लगे। देखो नीचे से निकलने भी लगा है। तो इतना पानी डालो कि पौधे के में प्लांटर में से पानी नीचे निकलने लगे। और हमें इतना ऐसे भी पानी नहीं डालना है। तो इस तरह से ये मिट्टी गीली है हमारी, तो हमें इसमें पानी नहीं डालना है। पानी तब ही डालना है जब हमारी मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जाए। ये काफ़ी मिट्टी गीली है तो इसमें हमें पानी नहीं डालना है। हमें मिट्टी को ऐसे चेक करके देखना है कि हमारी इतनी उंगली के बराबर अगर हमारी मिट्टी ड्राई है तो ही हमें इसमें पानी डालना है। अदरवाइज़ पानी इसमें ओवर वाटरिंग हमें प्लांटर में नहीं करना है। मेरे पौधे तो ऊपर है छत पे, तो सूख ही जाते हैं। प्लांटर भी काफ़ी छोटे हैं मेरे कुछ, तो मुझे कभी डेली डालना पड़ता है। तो मैं सारे पौधों में डेली नहीं डालती हूँ, जिसमें ड्राई होता है बिल्कुल उसी में ही मैं पानी डालती हूँ। तो हमें पानी की ओवर वाटरिंग नहीं करना है पौधों में, खास करके जो फल वाले और सब्जी वाले पौधे हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो जो जिनमें फूल फ्लावरिंग हो रही है सब्जियों में, ऐसे फलों में, तो वो फ्लावरिंग ही आपकी झड़ जाएगी ओवर वाटरिंग से। आपको जो फलों पे फूलों पे आए हुए पौधे होते हैं उनमें वाटरिंग तभी करें जब उनकी पत्तियां थोड़ा सा नीचे को झुकने लगें। हमें ओवर वाटरिंग करेंगे तो हमारे फूल ही झड़ जाएंगे, तो हमें फल और सब्जियां नहीं मिलेंगी। तो मैं अपनी छत पर इसी तरह से वाटरिंग करती हूँ। और गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो जिन पौधों पे मेरा मतलब है जिन पे फ्लावरिंग नहीं है, आप उनको इस तरह से नहला सकते हो, जिससे पौधे अपने हेल्दी भी बने रहते हैं। ऐसी तरह से अपने पौधों को नहलाती रहती हूँ। हमें एक मग दो मग पानी नहीं डालना है, हमें पानी उतना ही डालना है जितना जिससे नीचे से निकलने लगे और मिट्टी ऊपर से देखने पर बिल्कुल ड्राई हो रही हो तब। तो आज का मेरा यही था कि